हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। देखो इसमें इसमें नीट्स में एक क्वेश्चन तो इसका जरूर आता है इस चैप्टर से, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि एयर में उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 πε₀ Q1 Q2 r² Q1 Q2 को ये पॉइंट चार्ज है जो कि एयर में रखे हैं, जो दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर रिपेल कर सकते हैं। अगर वो दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो उसके बाद अगर हम इनको किसी मीडियम में डाल दें, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हमसे पूछा जाता है कि इसमें फोर्स कितना होगा या फिर कितना कम हो चुका होगा। तो हम कह देते हैं कि इसमें जो फोर्स होगा, यानी जो फोर्स इन अ मीडियम होगा, वो 1/k टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स इन अ एयर। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला निकल के क्या आ जाता है, 1/4 πε₀ k इंटू Q1 Q2 r² तो हमारा जो मीडियम में फोर्स है वो एयर के फोर्स से के टाइम्स कम हो गया है। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा केस क्या बनता है, जैसे हमसे पूछा लगा कि इसमें अगर हमने फोर्स मीडियम में और एयर में सेम रखना है तो उनकी दूरी को अगर चेंज कर दें, तो कितनी दूरी पे उनको चेंज कर दें कि दोनों का फोर्स बराबर रहे, तो जो नई रेडियस होगी, यानी जो नई डिस्टेंस होगी, जो नई डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, वो आर डैश हमारा जो ओरिजिनल पहले एयर में जो आर था अपॉन √k होगा। तो अगर हमें जे वैल्यू हमेशा याद रहेंगी तो हमें सॉल्व करने की कोशिश नहीं पड़ेगी, सीधे फॉर्मूला लगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। अगर 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं, उनके बीच में हमने कोई तीसरा चार्ज ला के रख दिया है, तो वो पहले चार्ज या दूसरे चार्ज से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि नेट फोर्स पे हमेशा जीरो है। तो अगर हम चार्ज बन से देखते हैं तो एक्स उसका अगर हम निकालेंगे तो चार्ज बन से मतलब, यानी अगर हम बन से निकाल लें तो बन ऊपर रहेगा और बाकी सम आ जाएगा। अगर हम टू से निकालते टू ऊपर होता बाकी सम नीचे आ जाता। तो हमारे पास एक्स का फॉर्मूला आता है √Q1 / Q1 + Q2 r। और हमसे पूछ लिया अगर इसमें मैग्नीट्यूड पूछ ले उस चार्ज का जो बीच में रखा गया है, तो उसका हमें मैग्नीट्यूड होता है −Q1 Q2 √Q1 + √Q2 2। इसके बाद हमारे पास तीसरा केस आ जाता है इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्री पॉइंट चार्ज सिस्टम। अगर कोई तुम्हें ट्रायंगल दे रखा है, उसमें सिमिलर चार्ज रखे हैं, पॉइंट चार्ज रखे हैं, उसके सेंटर में, उस ट्रायंगल के सेंटर में अगर कोई चार्ज रखा है Q Q′ कुछ भी मान लो, तो उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा कि सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे रहे, यानी नेट। तो गाइस अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम एफ, उनके बीच में फोर्स कितना एफ, इफ 75% चार्ज ऑफ वन इज ट्रांसफर्ड टू अनदर देन फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स क्या होगा। तो देखो हमें ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता, अगर हम ऐसे क्वेश्चन में 75% दे रखा है, यानी 75%, तो हम क्या करें कि चार्ज लें वो 100 कूलम ले लें, 100 कूलम प्लस का ले लो, 100 कूलम माइनस का ले लो, इससे क्या हमारी जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो आसान हो जाएगी। इसमें क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस आर है, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 πε₀ को हम के लिख देते हैं, के इंटू 100 × 100/r² हो गया। इसके बाद इसमें से 75% अगर हम 100 का निकालेंगे तो 75 कूलम चला गया, इधर से 75 गया, इस पर 75 चला गया, प्लस का 75 गया इस पे, तो इधर का बचा 25 कूलम, इधर बचा 25 कूलम माइनस का। तो हमारे पास अब F2 यानी F2 आएगा जी, अगर F1 मान लो तो K × 25 × 25/r, तो हमारे पास सेम ही r². तो हम इसका जो रेशियो निकालते हैं F1/F2 = तो हमारे पास आता है 16/1। तो अगर हम इसका देखें तो F2 हमारा कितना बचा, F2 हमारा F1/16 हो गया, यानी कि जो नया फोर्स आया वो 1/16 गुना कम हो गया। हमारे पास सिमिलरली उसकी जगह एक और क्वेश्चन आया है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है नीट में, तो हम इसको पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मास लेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एल आर इनिशियली अ डिस्टेंस डी जो कि बहुत बहुत छोटी है एल से अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन द चार्ज बिगन्स टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर एट अ कॉन्स्टेंट रेट एज अ रिजल्ट द चार्ज जिस अप्रोच
each other with a velocity v. Then as a function of distance x between them. तो हमें पूछा x का relation जो चार्ज लीक कर रहा है उसकी velocity के साथ. तो अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने ब्रह्मास्त्र पढ़ा है कूलम्ब लॉ का कि tan theta is equal to f upon mg. जहाँ भी आए रख दो tan, जहाँ पे हैंगिंग पार्ट आ जाए ना tan theta is equal to f upon mg रख दो, उससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो हम इसमें करके देखते हैं. तो देखते हैं tan theta is equal to f upon mg. tan theta हमें पता ही है क्या हुआ, x upon 2l या फिर x upon l, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, k q square upon x square into mg. अब इसमें हमारे पास रिलेशन पूछा तो बाकी सब अगर हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हमारे पास क्या आ गया, x cube is directly proportional to q square के आ गया. हमारे पास x cube directly proportional to q square आ गया. तो x हमारा directly proportional या फिर q हमारा, अगर हम बात करें तो q हमारा directly proportional 3/2. हमें चार्ज लीक कर रहा है यानी कि dq by dt. अब चार्ज लीक कर रहा है यानी कि वो भी कांस्टेंट रेट से, यानी dq by dt कांस्टेंट यानी 1 के बराबर है. तो इसको भी डिफरेंशिएट करो x q upon dx के या फिर dt के साथ. तो हमारे पास अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 is equal to हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 into x power half dx by dt. जो हमें डिफरेंशिएशन पढ़ा है, dx upon dt क्या होता है हमारे पास, b is equal to dx upon dt होता है. तो हमारे पास 1 is equal to 3 upon 2 x 1 upon 2 into b. हमारे पास velocity और x का relation पूछा है, तो हम velocity उधर ले फिर x को उधर ले जाओ. तो b हमारे पास directly proportional क्या है, x की power minus half, यानी कि b हमारा क्या है, x की power minus half के directly proportional है. तो हमारा option कौन सा correct हुआ, तो इसमें हमारा option हुआ है second c वाला correct है. तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इसको लंबा करना चाहें तो काफ़ी तरीके हैं लंबे करने के, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको छोटा तरीका बता दिया. तो गाइस हमारे पास अब एक नया क्वेश्चन आया है, काफ़ी बढ़िया है. इसका सिर्फ एक फार्मूला बताऊंगा, आप याद कर लेना, ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग सारे. तो हमारे पास आया फाइंड पोजिशन ऑफ क्यू सो डैट इट विल इन इक्विलिब्रियम. कोई सिस्टम दे रखा है, मैंने बताया था आपको दो चार्ज वाला, बीच में कोई हमने ला के घुसेड़ दिया चार्ज, हमारी मर्जी हम घुसेड़ देंगे. तो पूछ रहे हैं कि वो चार्ज कितनी दूर रखा जाए किस चार्ज से, कि जो उसमें नेट फोर्स है वो बराबर रहे, यानी कुछ फ़र्क ना पड़े उसमें, उनमें झगड़ा ना हो कि नहीं अब हम दूर रहेंगे. अब वो कितने चार्ज लेके आए, कितना अपोजिट या फिर पॉजिटिव, वो हम देख लेंगे. तो हमारे पास चलो हम फॉर्मूला देखते हैं. तो अगर हम इस चार्ज से देखेंगे तो इसके लिए जो एक्स हो जाएगा, इससे दूरी बताएंगे. अगर इसे देखते तो यहाँ से बता लेते. तो हमारे पास एक्स का फॉर्मूला क्या था, हमने पहले पढ़ रखा है, जिस चार्ज से देखा जाए उसका चार्ज ऊपर लिखा जाता है, फिर तीनों का दोनों का रूट में सम इंटू आल आर या एम ने यहाँ पे एल कुछ भी ले लिया. तो हमारे पास ये हो गया. अब इसको सॉल्व करें आगे तो रूट क्यू इसमें कॉमन ले लिया हमने. तो हमारे पास 1+√3 इंटू एल, क्यू से क्यू कट. तो हमारे पास एक्स क्या आ गया, एक्स आया हमारे पास एल अपॉन 1+√3. अगर यहाँ पे अगर एल यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती तो हम पुट कर देते, हमारे पास आंसर आ जाता, लेकिन L की वैल्यू नहीं दे रखी तो हमने L की फॉर्म में निकाल दिया. दूसरा हमारे पास आता था मैग्नीट्यूड. तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, माइनस Q1 इंटू Q2. तो Q1 हमारे पास Q है और Q2 हमारे पास 3Q है, अपॉन क्या था हमारे पास, Q1 का रूट प्लस Q2 का रूट का होल स्क्वायर. तो इसको भी हम वैसे सॉल्व कर लें तो -3Q2, इसमें Q कॉमन ले लिया हमने तो रूट क्यू कॉमन, तो 1+√3 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर. तो हमने क्या देखा, -3Q2. तो Q2 अगर हम रूट को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास Q बाहर आ गया, प्लस 1+√3 का होल स्क्वायर. तो इसकी पावर कट गई. तो हमें पता है चार्ज चार्ज के फॉर्म में आएगा, तो हमारे पास एक क्यू बच गया यानी कूलम है. तो इसका हमारे पास आंसर ये हो गया, हमारे पास सॉल्व हो गया. अगर हम इस फॉर्मूले को अगर हम याद रखें, जो हमें फॉर्मूला में बताया गया था, इसको फॉर्मूला को अगर हम याद रखेंगे तो ऐसे न्यूमेरिकल हमें टाइम नहीं, वैसे हम इसको सॉल्व करते, फोर्स बराबर लगाते, फलाना ढिमकाना करना पड़ता, उससे दिक्कत होती, हमने सीधे याद कर लिया, ये दो फॉर्मूले हमने याद कर लिए. तो गाइस देखो हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है. इसमें आपको बताऊँगा कि आप कैसे वैल्यू चीज़ें याद रख सकते हैं, कि जैसे आपको देखे इसका आंसर जी होगा, इसका आंसर जी होगा.
तो हम इसमें देखते हैं। तो इसको करने से पहले हम एक दो तीन चीज़ें देख लेते हैं कि जब दो फोर्स इक्वल हों और 90 डिग्री पे हों तो उनका जो नेट आता है वो रूट टू टाइम्स आता है, यानी रूट टू टाइम उनके फोर्स के बराबर आता है। तो हमें इसमें जे लगाना है। ऐसी चीज़ों अगर हम याद रखेंगे डायरेक्टली कि अगर दो फोर्स 90 डिग्री लग रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा तो वो एफ रूट टू, या फिर कोई भी अगर हम ले लें, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ले लें तो वो डिस्प्लेसमेंट रूट टू होगा। तो हम ऐसे अगर हम याद रखेंगे तो हमारे आसान हो जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर, यानी ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर, दो अपोजिट कॉर्नर के स्क्वायर के क्यू रखा है और दूसरे अपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल क्यू रखा है। तो उन्होंने पूछा है कि कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा, यानी कि उन्होंने पूछा है कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा। तो नेट फोर्स निकाल दो, नेट फोर्स अगर जब जहाँ जीरो होगा, जब इक्विलिब्रियम में होगा, तो यानी का रेशियो हम पता चल जाएगा। तो हमने कोई एक चार्ज उठा लिया, तो हमने ये वाला चार्ज उठा लिया, तो इस पर इसकी वजह से फोर्स लग रहा है इधर के लिए, रिपल्शन लगाएगा भाई सब, पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों। तो इसने बाहर की तरफ खींचा, इसने बाहर की तरफ धक्का मारा, इसने भी इसको बाहर की तरफ धक्का मारा। तो हम देखेंगे ये फोर्स बराबर हैं। तो अभी इनका नेट पड़ा था, तो अगर हम देखें, अगर फोर्स नेट फोर्स पड़े फोर्स नेट फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ रूट टू, यानी कि एफ क्यू हमारे पास आ गया। और हमने कैपिटल क्यू पे, यानी हम नेट फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू की वजह से एफ कैपिटल क्यू आया, क्या आ गया हमारे पास, तो हमारे पास सीधे पता है उसका फॉर्मूला हम लगा देंगे कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास, तो हमें पता है कि कैपिटल क्यू वजह से उसके फोर्स क्या लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू, यानी जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच में। अब नेट फोर्स अगर इस पर जीरो होगा तभी तो भैया हम रेशो निकाल पाएंगे। तो हमने क्या कर दिया कि एफ क्यू प्लस एफ कैपिटल क्यू इज इक्वल टू जीरो, तब जो जीरो होगा यानी आप उधर ले जाओ, तो एफ कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस एफ क्यू। तो हमने माइनस एफ क्यू कितना हमारे पास, एफ रूट टू, हमारे पास एफ क्यू का हमने लिख दिया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू का होल स्क्वायर, उसको हमने माइनस का एफ, एफ हमारे पास क्या होगा इसका अगर हम निकालेंगे तो के क्यू वन कैपिटल क्यू अपॉन आर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर इंटू रूट टू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा के क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू, यानी हमारे पास रेशियो आ गया कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का माइनस टू रूट टू अपॉन टू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइनस क्यू का चार्ज क्या होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा, वो हमें पता ही नहीं करना है। तो मैग्नीट्यूड पूछा है क्या, उन्होंने सिर्फ रेशियो पूछा, हमने बता दिया बस। तो गाइस मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अगर मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है तो ऐसे क्वेश्चन लगते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप मैकेनिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और बहुत अच्छी लेवल की। तो हम इसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, यानी कि 30 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। वैन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी के 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द एंगल रिमेन सेम, एंगल सेम रखा है। इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द लिक्विड इज, तो हम सीधे इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इसमें आपको बता भी दूंगा कैसे सॉल्व करा जाएगा। तो इसका अगर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पूछा था तो के इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो जो रो है वो हमारे पास है स्फीयर की डेंसिटी, रो हमारे पास स्फीयर की डेंसिटी, हमारे पास सिग्मा क्या है, लिक्विड की डेंसिटी, सिग्मा हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी। तो अगर हम सीधा फार्मूला लगाएं तो इधर फार्मूला आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ, तो हमारे पास के सीधा आ जाएगा 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8, तो सीधा हमारे पास के कितना आ गया, 2, यानी सी हमारा करेक्ट है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कैसे आया, तो इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे, जब एंगल सेम रखा है तो हमने पता था, जब मैंने बताया था कि हैंगिंग जब आएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, एफ अपॉन एम जी। और मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि
जब किसी मीडियम में डालते हैं तो f जो दूसरा होता है यानी f डैश वो f बाय k होता है, जी हम बाद में भी लगाएंगे। तो tan थीटा हमारे पास आ गया f अपॉन mg, तो हमारी इक्वेशन बन जे एयर में आ गया। जब किसी मीडियम में डाला तब भी एंगल सेम यानी tan थीटा सेम है, तो हमारे पास f अब f बाय k हो गया। अब बच्चे पूछेंगे mg में क्या चेंज हुआ। अब देखो mg अगर हम मास देखें तो मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारे पास पहले जे थी, अब जब किसी लिक्विड में डालेंगे तो वो अपनी बायो फोर्स भी लगाएगा, तो हमारे पास अब नेट डेल्टा एम क्या आएगा, हमारे पास बी रो जी माइनस बी रो जी यानी डेल्टा एम जी। पहले अगर पास एम जी जे था तो हमारे पास अब नेट जे आएगा, अब यहाँ पे हम लगा दें तो हमारे पास डेल्टा एम क्या आया, वी रो जी माइनस बी सिग्मा जी, सॉरी यहाँ पे सिग्मा होगा, लगा दिया। अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, के इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, बस सिंपल सा था। हम नया क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमें ग्रेविटेशन में मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट लगभग ग्रेविटेशन ही है हमारे पास, तो हम देखते थे वाला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। बस ग्रेविटेशन में इसमें क्यों है वहाँ एम होता है, पूछा यही जाता है, तो हम अगर देखें तो चलो पढ़ते हैं। अ चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड क्यू इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस क्यू। इफ़ द टू पार्ट्स एग्जर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन ईच अदर देन फाइंड द रेशियो क्यू बाय क्यू। लेकिन जब बवाला नहीं है, पहले ही करा था जी, दूसरा क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे कि f होता क्या है, f हमारा क्या होता है, k q q माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमें इन सब से किसी से काम लेना देना है नहीं क्योंकि पूछा ही नहीं है, तो f हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, k q माइनस क्यू। तो फॉर मैक्सिमम अगर हम f मैक्स के लिए बात करें तो हमारे पास डी एफ बाय जो डी क्यू होता है वो जीरो होना चाहिए, तो डी एफ बाय डी क्यू हमारे पास अब डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, अब हम डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ रख देंगे तो डी एफ की जगह क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू टू क्यू आएगा, क्यू इज इक्वल टू हमारे पास टू क्यू होगा यानी क्यू बाय क्यू का रेशियो टू होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, यानी कि हमारे पास जो स्मॉल क्यूब हो क्यू बाय टू होना चाहिए, तो हमारे पास फोर्स जो होगा या फिर रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, तो मैक्सिमम होगा। जब यही क्वेश्चन हमसे ग्रेविटेशन में पूछा जाता है तो हमारे पास जो एम डैश होता है वो एम बाय टू के फॉर्म में आ जाता है हमारे पास, भाई इतना ही डिफरेंस है। तो गाइस हमारे पास अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये जो कूलम लॉ उसके वेक्टर फॉर्म पे डिपेंड वेक्टर फॉर्म से होगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि दो चार्ज रखे हैं, एक रखा है टू और थ्री कॉमा एक्सिस पे, एक रखा है फोर कॉमा फाइव एक्सिस पे। तो हमें इसमें फोर्स यानी जो वेक्टर फॉर्म में उसमें चेंज है, चार्ज इन वेक्टर फॉर्म यानी फोर्स पूछा है, तो अगर हम निकालेंगे तो हमें इसका फॉर्मूला पता था क्या होता, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो हमें निकालना क्या है, पहले आर वेक्टर निकालना है, जब आर वेक्टर निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास वही आर हो जाएगा। तो आर वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो आर वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन वेक्टर निकल जाएगा, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हम चलो निकालते हैं, पहले आर वन क्या है हमारे पास, तो आर वन हमारे पास क्या है, आर वन वेक्टर हमारे पास टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, और हमारे पास आर टू क्या है, फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप। तो हमारे पास आर वेक्टर मिला के निकाल के आएगा टू आई कैप प्लस टू जे कैप। अगर हम यहीं पे आर का मैग्नीट्यूड पूछ लें तो हमारे पास क्या आएगा, टू रूट टू। हमारे पास सब कुछ आ गया, आर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, आर वेक्टर भी आ गया, के में वैल्यू पता है, के वन क्यू वन क्यू टू की वैल्यू पता है, तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला लग गया हमारा एफ इज इक्वल टू के वैल्यू क्या होती है, नाइन इंटू टेन पावर नाइन। चार्ज हमारा दो माइक्रो कूलम इंटू थ्री माइक्रो कूलम यानी माइक्रो माइक्रो स्क्वायर यानी टेन पावर
माइनस 12 हमने लगा दिया, 10^-12 हमने लगा दिया और हमने क्या रखा 2√2। अब r वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, 2i कैप + 2j कैप, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, i कैप + j कैप रख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, फोर्स आएगा 27/4√2 × 10^-3 i कैप + j कैप। बस गाइस थैंक यू, इतने क्वेश्चन है कूलम लॉ पे, अगर आपने इतने पढ़ लिए तो समझो आपकी ज़िंदगी बन गई, आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कूलम्स लॉ से रिलेटेड। अगर आपने इतना खूब अच्छे से कर लिया, अगर इन क्वेश्चन को आप बार बार लगाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो गए, इसमें कुछ नहीं छूटा, मैंने इसमें सारे कवर कर दिए।